Assalamualaikum everyone, welcome back to another video. भाई साहब इस वीडियो में आपको बहुत मजा आने लगा है क्योंकि हमने भाई खतरनाक किस्म के अरबी क्लचेस किए हैं और मजे की बात हम मोहम्मद आमिर भाई के साथ भी खेले हैं। आप लोगों को पता होगा जो क्रिकेटर है हमारी टीम के वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, तो मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था कि मोहम्मद आमिर भाई ने पबजी वाली साइड भी आ गए, बट उन्होंने फिर मुझे फॉलो भी किया हमारे टिकटॉक अकाउंट पे, तो उससे मुझे थोड़ा यकीन हुआ कि भाई ऑफिशियल अपने अकाउंट से फॉलो किया तो जाहिर सी बात है आ गए होंगे पबजी वाली साइड पे। उनके साथ भी हमने अरबियों की काफी बैंड बजाई, आप लोग वो एंजॉय करना। और बट फिलहाल आता है हमारे ऊपर पूरी गाड़ी का पुश और बहुत ही खतरनाक किस्म का स्क्वाड था भाई, आप लोग इनकी प्री फायर वगैरह देख सकते हो, उसने मुझे एक सेकंड में कितना लो कर दिया। अब इसके साथ फाइट एंजॉय करो भाई लोग। जो मैंने गाड़ी से बंदा उतारा था उसको रिवाइव करने की कोशिश में जा रहा होता है, ये सोचता है कि भाई प्री फायर वगैरह दूंगा, फुल हैवी रिफ्लेक्स मारूंगा स्मक को, बट ऐसा नहीं होता भाई। तो अब इसके बाकी दो बंदे बचे थे वो भी हम पे पुश करते हैं, फुल नेड मॉली वगैरह कर रहे होते हैं। मैं जितनी देर में हील करके बूस्ट करके नेड शेड करा रहा था उतनी देर में सब हो जाते हैं रिवाइव। और अब देखो भाई मेरे साथ होने लगा नेड वाला प्रैंक भाई, मैं नेड नीचे कर रहा था बट वो ऊपर आ जाता है, बट उसके पीछे भी एक फायदा ही होता है हमें। अभी देखना है नेड लग के वापस आया, इतनी देर में मुझे नजर आया सामने लेफ्ट पे बंदा बैठा हुआ है, इसको भी हमने कर दिया नॉक। अब यहाँ इसके बचे तीन बंदे, अब एक और बंदा ऊपर पुश करेगा। अरे भाई 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 बहुत ही खतरनाक पुश था यार इसका, शुक्र है मैंने एफपीपी करके ड्रॉप शॉट दे दी वरना मैं मर जाता। तो यहाँ भाई और नेट वगैरह करा रहे थे ये लोग, अब नीचे बचे दो बंदे। अरे भाई नेट करोगे ऐसे थोड़ी होता है। तो अब इनका बचा था लास्ट बंदा, मैंने कहा डायरेक्ट पुश मारते हैं इससे पहले बाकी भी रिवाइव हो जाए। यहाँ मैंने प्री फायर दिया बट यहाँ कोई भी नहीं आया भाई, स्मोक में मुझे बंदा नजर आया। अब लेफ्ट से मुझे साउंड आया, आइए तो यहाँ हो जाता है हमारा 1v4 भाई सब। आप लोग किल फीट देख सकते हो, चारों का नाम कैसे लाइन में आ रहा है, बहुत ही खतरनाक स्क्वाड था यार। यहाँ मुझे खुद यकीन नहीं होता कि मैंने इन पे 1v4 कर दिया है। तो यहाँ खैर हम थोड़ा इमोट बाजी करते हैं, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्लच की तरफ। अब ये जो मैं आपको स्क्वाड दिखाने लगा उनके साथ भाई बहुत गलत प्रैंक होने लगा। अभी आप इनका बस नाम देखते जो किस तरह पूरी लॉबी चमकार थे, ये पूरा स्क्वाड था, इन तीन बंदों के पास अपग्रेडेबल स्किन्स वगैरह थी भाई साहब गन्स वगैरह की। तो अब देखो बॉयज इनके साथ क्या प्रैंक होगा, हम नेड से इन पे 1v3 करने लगे हैं। जी हाँ यहाँ भाई गन का पुश, और अब चेक करो जरा मेरा नेड का कमाल। यहाँ आ जाते हैं स्क्वाड हाउस पे, यहाँ मैंने फायर शॉट दिया, मैंने कहा आ जाओ यार जहाँ पे भी हो, पोजिंकी वाली साइड से लोग अब रश करेंगे। तो भाई लोग ये देखो मेरे नेट का कमाल, एक नेट ने तीन बंदों को नॉक कर दिया। मैंने किल फीट देखी, तीनों का नाम आया, मैंने कहा ये तो एक बंदा रह गया, लेट्स पुश। तो अब मैं आता हूँ भाई यहाँ पुश करने, और सामने बंदा था, अभी मैं मॉली करूंगा बट इतनी देर में वो बंदा बैक साइड से डायरेक्ट ऊपर चढ़ जाता भाई, बहुत जल्दी वो छत के ऊपर चढ़ जाता, मुझे साउंड आता, अब मैं ऊपर नेट कर दूंगा एक, बट यहाँ वो बंदा बच जाता है, दूसरा नेट भी कुक करेंगे। इतनी देर में हमारे साथ प्रैंक होने लगा भाई, उसका नेट आएगा हमारे मुंह पे, ये चेक करो भाई कितना ही बचा हूँ मैं नेट से, बट हमारा नेट भी उसके मुंह पे नहीं फटा, वो भी बच जाता है। तो यहाँ खैर मैं पूरी किट लगा ले, तो यहाँ आप लोग भी सोच रहे हो अभी नेट आएगा अभी नेट आएगा, मैं भी वही सोच रहा था बट यहाँ नेट नहीं आता शुक्र है। तो उसके बाद ये भाई रिवाइव करने की कोशिश में होता है अपने टीम मेट को, क्योंकि इसके तीन बंदे नॉक थे, वो चीखे मार होंगे कि भाई पहले रिवाइव दे पहले रिवाइव दे फाइट नहीं कर। अब यहाँ मैं प्री नेट कर देता हूँ एक लेफ्ट साइड पे, बट इससे कुछ नहीं होता। अब वो राइट साइड पे रिवाइव कर रहा होता अपने टीम मेट को, तो मैं डायरेक्ट ही पुश कर देता हूँ। तो यहाँ जंप फिस्ट का आपने कमाल देखा होगा, उसको साउंड नहीं आया, इतनी देर में मैंने पुश कर दिया और इसको भी नॉक कर दिया। तो यहाँ इसके तीन बंदे हो चुके थे फिनिश, ये लास्ट बचा था, मैंने कहा इमोट तो बनता है भाई, बड़े अपग्रेडेबल स्किन्स बड़े बंदे चमकार थे पूरी लॉबी में, तो हमने खैर इस पर इमोट शॉट किया। उसके बाद मैंने इसको भी फिनिश कर दिया, मैंने कहा यार चारों साथ ही, ये फिनिश इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इनके पास भाई कीड़ा शीड़ा था, आप लोगों को पता है फिर कीड़े का कमाल। तो खैर यहाँ पे हमने इसको भी फिनिश कर दिया। अब चलते हैं बॉयज अपने नेक्स्ट स्क्वाड वाइप की तरफ। तो भाई लोग यहाँ मैं आपको मिलवाने लगूँ एक नशेई स्क्वाड के साथ। यहाँ भाई मैं आया, यहाँ कोई साउंड वगैरह नहीं देते, फिर एकदम से साउंड आया और ऊपर देखो सीन चेक करो भाई। यह
है तीनों बंदे, पता नहीं कौन सा नशा करके बैठे थे, आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। इन तीनों को हमने भिजवाया लॉबी। अब आते हैं भाई इंटेंस मूवमेंट की तरफ। तो यहाँ भाई हमारे जोन में साथ ही हमारी गाड़ी फाड़ दी एक बंदे ने। अब हम हो गए यहाँ पे 1 HP और हम हील शील करके बैक साइड पे जा रहे थे हमें बग्गी लेने। इतनी देर में भाई सामने से पूरी गाड़ी आ जाती है। अल्लाह शबाब तालू लॉबी। तो भाई साहब हम पे बड़ा खतरनाक किस्म का पुश कर रहे थे गाड़ी के साथ, जोन में आ रहे थे, बट हमने इन तीनों को उतार दिया। अब आते हैं भाई यहाँ में बगी लेने आया। यहाँ पे भाई बगी में फ्यूल ही नहीं था, तो फिर खैर मैं पैदल ही आ गया जोन में। और अब चेक करो सामने 2 बंदे बचे थे। तो यहाँ ये बेचारा गाड़ी फाड़ के कवर बना रहा था अपने लिए। मैंने कहा भाई मैं तेरी हेल्प करता हूँ, तो गाड़ी फाड़ी और साथ वो भी फट गया। अब इसका टीममेट फुल स्मोक बाजी करके इसको बचाने जा रहा था। इतनी देर में हमने भाई स्मोक में इसको स्पॉट करके फुल हैवी फायर दिया और यहाँ इन दोनों को भिजवा दिया लॉबी। अब मैं आप लोगों को चेक कराता हूँ हमारी बॉट लॉबी में किस रैंक में खेलता हूँ। तो हाँ भाई साहब हम खेलते हैं इस मास्टर में। आजकल मेरा इस मास्टर हो चुका है और अरबी लॉबी सोलो स्क्वाड कोई आसान बात नहीं है। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करो यार। यहाँ भाई मैं ऊपर पुश करता हूँ और मुझे पता था यहाँ एक बंदा है, मुझे पहले साउंड आया था। यहाँ मैं नेट कुक करके फेंक देता हूँ और अब उस बंदे की दुड़की देखो बैक साइड पे भाग जाता है। अब मैं भाई फुल माइंड यूज करके जंप और फिस्ट करा के इसकी बैक साइड पे आ जाता, उसको पता भी नहीं होता इसके बैक साइड पे हूं मैं। भाई वो बेचारा आगे वाली साइड पे टीपीपी ले रहा था, इसको हमने नॉक कर दी। बट इतनी देर में हमारा हो जाता है टीममेट नॉक और मैं स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ बंदा, बट हमें नजर नहीं आता। इतनी देर में आप इस रैंडम जो एनिमी था इसकी तारीफें सुनो भाई, बड़ी तारीफें कर रहा था हमारी के गुड जॉब ये वो। बट इतनी देर में मेरे टीममेट को एक बंदा कर देता है पैन से फिनिश। तो यहाँ मुझे गुस्सा आता है कि भाई इस बंदे को मैं पैन से ही मारूंगा। बट इतनी देर में यार ये रैंडम जो था बेचारा अरबी था जो हमारी तारीफें कर रहा था, ये बोलता है कि भाई मुझे फिनिश कर दो, मैंने अपने टीममेट्स के पास जाने की बात सुनो। तो यहाँ से इसको फिनिश करके मैं नेक्स्ट बिल्डिंग में आ जाता हूँ। यहाँ भाई नीचे बंदे होते हैं, वही 1v2 वाला सीन है। आहा, क्या ही मारते हैं हम। ये वही बंदा था हसन जिसने भाई हमारे टीममेट को किया था पैन से फिनिश। तो हम इसको मैं भी उठा के मैं इधर ले आता हूँ। इससे भाई मैं पैन मांग रहा होता हूँ, ये मुझे जो है ड्रिंक्स दे रहा होता है। मैं कहता हूँ भाई मुझे पैन दे, मैं तुझे पैन से ही मारूं, बट इसको समझ नहीं आती मुझे ड्रिंक्स दे रहा होता है। तो इतनी देर में भाई फिर इसको हमें फिश कराना पड़ता है क्योंकि ये होने लगा था फिनिश। तो हम इसको फिर फिश करा लेते हैं, अगर पैन नहीं चाहिए तो फिश चाहिए भाई। फिर देखो मैं पैन उठा के बोलता हूँ कि भाई मुझे पैन चाहिए था। तो अब आते हैं अपने अगले स्क्वाड भाई की तरफ। यहाँ इस मैच में हमारे साथ खेलते थे मोहम्मद आमिर भाई। मैं पहले बताता चलूँ ये जो अकाउंट है ये उनका कजन भी हैंडल कर रहा है, वो खुद भी हैंडल कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा उनके अकाउंट पे भाई पबजी वगैरह की पोस्टिंग हो रही है, तो वो पबजी वाली साइड पे आ गया। अब आते हैं स्क्वाड वाइप की तरफ। तो 3 बंदे हमने कर दिए नॉक। मैंने कहा डायरेक्ट पुश ही करता हूँ, यहाँ आमिर भाई नॉक थे तो इनके चारों के चारों हम कर देते हैं भाई नॉक। यहाँ हो जाता है हमारा 1v4 हॉट ड्रॉप वाला सीन था, जल्दी जल्दी हमने फाइट ली। तो यहाँ हो जाता है हमारा 1v4। यहाँ फिर मैं आमिर भाई को रिवाइव शेव देता हूँ, उसके बाद आते हैं भाई अपने नेक्स्ट स्क्वाड वाइप की तरफ। तो यहाँ भाई सामने पूरा स्क्वाड था, आमिर भाई को नहीं पता था उनको हीलिंग शीलिंग चाहिए थी, वो लो थे। तो यहाँ हो जाते हैं वो दोबारा से नॉक और अब हम करने लगे हैं अरबियों पे 1v3 बहुत ही हैवी किस्म का। आये तो भाई साहब इनकी चीखे सुनो जरा। यहाँ पे हम इन तीनों आर्मियों को फिनिश कर देते हैं। यल्ला शबाब चालू लॉबी। तो भाई साहब उसके बाद रिवाइव शब देते हैं, बात है अपने अगले स्क्वाड वाइप की तरफ। तो यहाँ भाई सामने 3 बंदे कैंप कर रहे थे, ये पाकिस्तानी स्क्वाड था। तो आमिर भाई की बात भी सुनना, वो भी पाकिस्तानियों से बड़े वाकिफ है, बोलते हैं पाकिस्तानी कैंपिंग बहुत करते हैं यार। तो अब हमने नेट कुक किया और नेट फेंका, एक बंदा हो गया नॉक, फिर हम पुश करेंगे। हमारे पाकिस्तानी इसीलिए तो मशहूर है माशाल्लाह।
यहाँ पे हमने इन तीनों कर दिया नॉक, और इनका चौथा बंदा मैं ढूंढ रहा था बट वो यहाँ नहीं था, वो शायद रिकॉल टावर वगैरह के पास होगा। तो बॉयज हमारी वीडियो यहीं तक थी, आप लोग आमिर भाई का चैनल विजिट करना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, तो जाके आमिर भाई को प्यार दिखाओ थोड़ी भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर देना उनको भी, और मेरे चैनल पर भी न्यू हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो वीडियो पसंद आई हो तो। बाकी मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।